नमस्कार, सपना की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गर्मियों में पीने वाली, ठंडक देने वाली ठंडियाई। ठंडियाई बनाने के लिए हमें ये 2 बड़े चम्मच बादाम चाहिए और 2 ही चम्मच मैंने ये मगज के बीज लिए हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं, और 2 चम्मच ये खसखस है, जिसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं हम, और 1 चम्मच मैंने काजू लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च और 10-12 मैंने इलायची ली है, और 1 चम्मच मैंने पिस्ता लिया है। अब इन सबको हम इकट्ठा भिगो देंगे। अब हम इसे पानी डालकर भिगो देंगे और 4-5 घंटे अच्छी तरह भीग जाए उतना हमने भिगोना है, ताकि ये सारे हमारे नट्स सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, मैंने इसे 5 से 6 घंटे तक इसको भिगो दिया है। अब हम इसमें 8-10 स्टिंग्स जो है केसर की डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। मैंने ये सारा सामान इसमें डाल दिया है। अब जो इसमें ये लगा हुआ रह गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल के इसको उसी में डाल देंगे। ये हमने अपना सारा मसाला पीस लिया है और ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। ये मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने चीनी इसमें डाल दी और ये 2 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला। और अब हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे और इसको तब तक पकाना है जब तक ये चीनी घुल नहीं जाए, कोई हमने चाशनी वगैरह नहीं बनानी। हमारी चीनी घुल गई है, अब हम इसमें ये पेस्ट डालेंगे और इसको हिलाते रहना है ताकि गांठे नहीं पड़े। हमें इसे 12 से 15 मिनट तक स्लो गैस पर पकाना है। ये हमें गर्मियों में बहुत ठंडक देती है, जो खसखस है उसकी तासीर ठंडी है और ये हमारे शरीर को बहुत ठंडक देती है। गर्मियों में आप इसे बनाकर पिएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमें इसे पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और ये पड़ा पड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये हमारा मटेरियल ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच रोज़ एसेंस के डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे बॉटल में भर देंगे और इसको जब मन चाहे बनाएं और पिएं। चाहे इसको आप पानी में भी बना सकते हो, दूध में भी बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।